Now, after widespread outrage over such child rape incidents and their politicization, Prime Minister Modi today issued a stinging rebuke to party motormouths, saying only authorized persons should speak. The Prime Minister was interacting with the BJP legislators through his app, the Narendra Modi app. Prime Minister told MPs and MLAs, "We make mistakes and give masala to the media. We have to maintain balance." While Amit Shah said, "There is nothing the party workers should be ashamed of." मीडिया के लोगों को मसाला दे देते हैं. जैसे ही कोई कैमरा वाला सामने मिल गया तो हम निकल पड़ते हैं बोलने के लिए, और फिर वो उसमें से आधा अधूरा वाक्य काम का है तो उपयोग करेगा. हमें अपने आप को संयम में रखना पड़ेगा. हर चीज पर जिसको बोलने की जिम्मेवारी है उसी को बोलना चाहिए. अगर हर कोई बयानबाजी करता रहेगा तो इश्यू बदल जाते हैं, देश का भी नुकसान होता है, दल का भी नुकसान होता है. तो मैं जरूर, जब आज मेरे साथी एमएलए और एमपी से बात कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि जब नए नए हमारी लोकसभा बनी तो हमारे 8-10 एमपी थे, बहुत उनको बोलने की आदत थी. लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मैंने देखा कि पिछले 3 साल में उन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की, और उसके कारण पार्टी को कोई नीचा देखने की नौबत नहीं आई. और मुझे कई बार आश्चर्य होता है, कई कार्यकर्ताओं को मिलता हूं, मेरा संवाद भी काफी रहता है, तो अलग अलग प्रकार की चीजें मीडिया को देखकर, विरोधियों की बातों को सुनकर देखते हैं. मैं आप सभी को दावे से कहना चाहता हूं, और इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ सरकार के कामकाज और चुनावी आंकड़ों का एक विद्यार्थी भी हूं. मैं बचपन से हूं, 13 साल की उम्र से मैं एक काम करता हूं और सटीक अभ्यास करता हूं. इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचे उठे, सीना तान कर लोगों के बीच में जा पाए, इस प्रकार से सरकार चलती है.